आ गया है 2.0 का टीजर। रजनीकांत और अक्षय कुमार की झलक देखने के बाद आंखें खुली रह जाएंगी। भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा लागत से बनने वाली फिल्म रजनीकांत अक्षय कुमार की 2.0 का टीजर रिलीज हो गया है। दक्षिण भारत में इस टीजर को दिखाने के लिए खासतौर पर 1000 से ज्यादा स्क्रीन बुक किए गए। 13 सितंबर को गणेश चतुर्थी के कारण खासतौर पर टीजर रिलीज किया गया। करीब 1.5 मिनट के इस टीजर में दिखाया गया है कि कैसे पक्षियों की फौज आसमान में मंडरा रही है और अचानक सबके मोबाइल फोन गायब हो जाते हैं। तब रोबोट को फिर से बुलाने की जरूरत पड़ती है। अजीब पक्षियों वाले गैंग के सरगना अक्षय कुमार हैं, जिनकी इस टीजर में एक बार ही झलक आती है, जबकि रजनीकांत अपने रोबोट वाले कर्तव्यों के साथ दिख रहे हैं। सुधांशु पांडे और आदिल हुसैन के चेहरे भी नजर आते हैं। शंकर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म रोबोट या इंद्रियन का सीक्वल है। ये पिछले 2 साल से चर्चा में है। ताजा खबर है कि फिल्म में जिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का VFX इस्तेमाल किया जा रहा है, सिर्फ उसी पर करीब $75 मिलियन का खर्च आया है। जानकारी के मुताबिक फिल्म की कुल लागत 543 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। अभी प्रमोशन बाकी है, जिसे देश विदेश में किया जाना है, यानी लागत में इजाफा जरूर होगा। अपने बजट के कारण ये फिल्म 2.0 भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म बन चुकी है। फिल्म को तमिल और हिंदी में रिलीज किया जाएगा और उसके बाद 10 भाषाओं में भी ये फिल्म डब होगी। हिंदी 2.0 को करण जौहर और अनिल थदानी की कंपनी रिलीज करने वाली है।